Hey everyone, this is Abigail and welcome back to my channel. आज इस वीडियो में हम ऐसे एक रैपर के बारे में बात करेंगे जिनको शायद आज DHH में हर कोई जानता और पहचानता है एंड उनके टैलेंट की कदर भी करता है. And I was recently in a movie called Gully Boy. But the sad part is that people now see me and say, "Oh, you were in Gully Boy," and they don't know that I've been rapping for 14 years. I was disheartened, but I had a plan. And that song became viral, was also shared by Raftaar, and it was like a big moment for me. Krishna Kaul, yani ke Krishna ka janam 4th October 1987 mein hua tha ek Kashmiri Pandit family mein. Unka childhood South London mein bita tha and he was a introvert and shy kid. School mein logo se ghulne milne ke liye he started off rapping. And Krishna ne apne gaano mein ye mention kiya tha ki unke rapping style ko dekhte hue unke school ke popular rapper Troy ne उनको अंडरकवर थग का नाम दिया था. उसने नाम दिया मुझे अंडरकवर थग क्योंकि शक्ल से शरीफ बट ऑन द माइक आई फक इट अप. उसके बाद उनके स्कूल में काफी उनके दोस्त बनने लगे थे एंड 2002 में उन्होंने अपना नाम चेंज करके MC फिक्सर रख दिया था. रैपिंग वाज नॉट ओनली अ पैशन फॉर हिम बट अ एडिक्शन आल्सो. एंड जैसे ही उनको धीरे-धीरे थोड़ी सी पहचान मिलने लगी, due to some reasons he has to come back to Delhi. And after coming back to Delhi he was really sad kyunki tab India mein kisi ko hip hop ke bare mein kuch nahi pata tha. And Krishna jo ki rapping mein apna career banana chahte the, who was addicted to rap music, unke liye yahan pe survive karna kafi mushkil ho raha tha. But he didn't give up. He started from the scratch and he started rapping in his college. वहाँ पे उन्होंने दो दोस्त बनाए जिनको भी हिप हॉप में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था एंड उन्होंने मिलके एक ग्रुप का फॉर्मेशन किया जिनको वो लोग इलिसिट कैश मॉब के नाम से बुलाने लगे. जैसे ही उनको दिल्ली में थोड़ा सा नेम और फेम मिलने लगा था, टू मूव टू मुंबई फॉर हिज फर्दर स्टडीज एंड ही वॉज रियली डिसअपॉइंटेड विद इट बिकॉज ही हैज टू स्टार्ट ऑफ हिज करियर फ्रॉम जीरो अगेन. लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने हार नहीं मानी. वो मुंबई आए एंड ही स्टार्टेड कन्विंसिंग रिकॉर्ड लेबल्स. लेकिन रिकॉर्ड लेबल्स ने उनको ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि ही साउंड टू इंटरनेशनल. लेकिन उन्होंने उस फेलियर को नेगेटिवली नहीं लिया, जस्ट टू एक्सपीरियंस हाउ दिस इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री वर्क एंड यहाँ के लोगों को कैसे टाइप का म्यूजिक पसंद है. टू नो ऑल अबाउट दिस, कृष्णा स्टार्टेड वर्किंग एज एन इंटर्न इन यूनिवर्सल रिकॉर्ड लेबल एंड आफ्टर वर्किंग देयर फॉर 3 months उनका गाना यूनिवर्सल रिकॉर्ड लेबल से रिलीज हो गया. He then changed his name to Young Prospect. Krishna ke life mein ek chota sa turning point tab aaya jab unhone Kaisa Mera Desh nikala, jo ki India ke corruption issue ke upar based tha. And this song out of nowhere became viral and was trending on YouTube. Isi sab cheezon ko dekhte hue Krishna started taking music seriously and unhone apna job quit kar diya and wo पूरा वर्क म्यूजिक पे निकालने लगे. बट इट फेल्ड. यही सब इश्यूज को देखते हुए उनको दिल्ली वापस जाना पड़ा था. फिर उनको बहुत ज्यादा फैमिली प्रेशर झेलना पड़ा एंड फॉर दैट रीजन ही थॉट ऑफ सर्चिंग फॉर अ जॉब. उन्होंने सिंगापुर में जॉब के लिए अप्लाई किया एंड उनको वो जॉब मिल भी गई. बट ड्यू टू सम रीजन उनका सिंगापुर जाना 1 महीने के लिए पोस्टपोन हो गया एंड उन्होंने सोचा कि ये 1 महीना वो पूरा का पूरा म्यूजिक को डेडिकेट करेंगे. कृष्णा कुछ सॉन्ग्स के साथ यूनिवर्सल म्यूजिक के पास गए एंड यूनिवर्सल म्यूजिक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया. 2014 में कृष्णा ने अपना पहला एल्बम ड्रॉप किया जिसका नाम था सलाव. लेकिन वो एल्बम खास चली नहीं क्योंकि यूनिवर्सल म्यूजिक के पास उतना बजट ही नहीं था उस एल्बम को प्रमोट करने के लिए एंड अगेन ही फेस्ड फेलियर. एंड इन सब चीजों से डिसअपॉइंट होके वो रेगुलर जॉब करने लगे एंड 2016 में उन्होंने अपने एक दोस्त का सलाह लिया एंड ही रिलीज्ड व्यंजन एंड दिस वॉज इट. दिस वॉज द लाइफ चेंजिंग सॉन्ग फॉर कृष्णा. इस सॉन्ग को खुद रफ्तार ने भी शेयर किया एंड उसके बाद कृष्णा इवन वर्क्ड विद रफ्तार. टुगेदर ड्रॉप्ड अ सॉन्ग नेम आई एम रेडी एंड उसके कुछ समय बाद कृष्णा गॉट साइंड अंडर कलमकार एंड वो सिर्फ कलमकार में साइन ही नहीं हुए, उसका पार्टनर भी बन गए. कृष्णा फीचर भी हुए थे गली बॉय मूवी में लेकिन उसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है. कृष्णा के लाइफ का ब्रेकिंग पॉइंट आया 2019 में
आपको फ्रीवर्स फीस्ट के बारे में पता होगा। 2019 में एमी वे ने फ्रीवर्स फीस्ट निकाला था, जहां पे उन्होंने ये क्लेम किया था। I'm representing India, no one is doing it right. एंड कृष्णा ने इसी चीज का रिप्लाई करते हुए फ्रीवर्स फीस लंगर निकाला था। एंड यू नो उस टाइम पे एमी वे और रफ्तार का भी बीफ चल रहा था, इस वजह से कृष्णा को भी काफी ज्यादा अटेंशन मिली थी उस टाइम पे। खैर, एमी वे ने तो कृष्णा को रिप्लाई तब बिल्कुल नहीं किया था, लेकिन कृष्णा ने फिर से एमी वे को डिस करते हुए सीधा मेकओवर ड्रॉप किया। एंड उसके बाद ऑलमोस्ट हर सॉन्ग में कृष्णा एमी वे को पोक करते रहे। लेकिन कृष्णा के लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2020 में कृष्णा वर्सेस मूफार स्टार्ट हुआ। ये बीफ स्टार्ट हुआ था राज जोन्स के एक इंटरव्यू से, जहाँ पे मूफार ने रफ्तार और कृष्णा के लिए कुछ बोल दिया था। उसके बाद कृष्णा ने एक ट्रैक ड्रॉप किया जिसका नाम था अनटाइटल, जहाँ पे मूफार के अगेंस्ट सबलिमिनल शॉट्स थे। एंड दिस वॉज द फेस वेयर द मोस्ट लिरिकल बीफ ऑफ DHH स्टार्टेड। एंड इस बीफ का लास्ट रिप्लाई कृष्णा ने अपना माँ कसम ट्रैक ड्रॉप करके दिया था। एंड डैम, माँ कसम इज द बेस्ट डिस ट्रैक ऑफ देसी हिप हॉप। कृष्णा का जो कॉम्प्लेक्स वे ऑफ राइटिंग था वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था, बट इसका क्रेडिट मैं रोहन करियापा को देना चाहूंगी, बिकॉज उनके वजह से लोगों ने कृष्णा के वे ऑफ राइटिंग को जाना, पहचाना एंड उसकी कदर भी करना स्टार्ट कर दिया। वेल, मूफार वॉज अ वेरी टफ कॉम्पिटिटर, बट कहीं ना कहीं कृष्णा इस बीफ पे मूफार पे बहुत ज्यादा भारी पड़े थे। मोस्ट ऑफ द DHH ऑडियंस थिंक्स दैट कृष्णा वोन दैट बीफ, क्योंकि उसके बाद मूफार का कैरियर लिटरली डाउनफॉल पे चला गया था। बट एनीवेज, इधर से कृष्णा स्टार्टेड ब्लोइंग ऑफ लाइक हेल। उनके स्ट्रीम्स व्यूज बढ़ते ही जा रहे थे, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एंड इसी के बीच में कृष्णा ने अपना एल्बम भी ड्रॉप किया जिसका नाम था स्टिल हियर। एंड दिस एल्बम वाज अ मेजर हिट। उसके बाद कृष्णा ने बहुत से सिंगल्स भी ड्रॉप किए, उनका करण औजला के साथ कोलैबोरेशन भी आया जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया। लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ जिसका एक्सपेक्टेशन शायद किसी ने नहीं किया था। 2022 में आउट ऑफ नोवेयर एमी वे फाइनली रिप्लाइड टू कृष्णा एंड ड्रॉप्ड अ डिस ट्रैक नेम चूसंबा। जैसे ही ये हुआ पूरे DHH में आग लग गई थी। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर कृष्णास रिप्लाई एंड कृष्णा फाइनली रिप्लाइड विद लिल बंटी। वो डिस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था माँ कसम जितना, क्योंकि माँ कसम में कृष्णा ने एक अलग ही लेवल सेट कर दिया था, बट इट वॉज अ लॉजिकल एंड डिसेंट डिस। उसके बाद एमी वे ने उसका रिप्लाई करते हुए KRL साइन निकाला। फाइनली कृष्णा रिप्लाइड इट विथ हिज लास्ट डिस ट्रैक मचाएंगे 4। एंड उसके बाद चीजें काफी पर्सनल हो गई दोनों के बीच। एंड कृष्णा ने ट्विटर पे ये बोल दिया दैट ही हैड एनफ ऑफ दिस बीफ एंड वो अभी बीफ से दूर रहना चाहते हैं। हालांकि एमी वे उनको पोक करते रहे बट कृष्णा डिडंट रिप्लाइड। एंड उसके बाद कृष्णा ने अपने 3 गानों का EP ड्रॉप किया जिसका नाम था टाइम विल टेल। एंड उस EP को भी बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। एंड इस दौरान कृष्णा अपना इंडिया टूर भी कर रहे थे। एंड उस टूर का रिस्पांस देखते हुए, उनके फैंस का क्रेज देखते हुए, तो ऐसा ही लगता है दैट जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, यू शुड नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। कृष्णा को देख के एक चीज मैंने लाइफ में जरूर सीखा है, दैट पेशेंस इज द की। नो मैटर आपको कितनी बार फेलियर का सामना करना पड़े, अगर आप अपने पैशन पे डटे रहो, देन गॉड इज बाउंड टू गिव यू दैट व्हाट यू वांट। कृष्णा किंग क्रूक के शो पे फीचर हो चुके हैं, उन्होंने बड़े बड़े इंटरनेशनल रैपर्स जैसे टेक 9 के साथ कोलैबोरेशन करके रखा है। उनका गाना मचाएंगे 4 यूट्यूब में अभी सबसे ज्यादा कमेंटेड रैप ट्रैक बन चुका है। एंड जितने भी अपकमिंग रैपर्स है उनके लिए कृष्णा एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। कृष्णा इज द लिविंग एग्जाम्पल कि नो मैटर अगर आपको इमीडिएट सक्सेस नहीं मिल रहा है, अगर आपके अंदर पेशेंस है एंड आपके अंदर वो टैलेंट है, तो फिर आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा। एंड ऐसा मिलेगा कि दुनिया देखती ही रह जाएगी। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ हाउ अ इंट्रोवर्ट शाई किड बिकेम अ रैप सेंसेशन ऑफ इंडिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जाके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड डू हिट दैट लाइक बटन। गाइज, वी आर वेरी क्लोज टू हिट 1K सब्सक्राइबर्स, सो डू कीप योर सपोर्ट विद मी।
एंड मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा. सो इफ यू गाइज वांट टू कनेक्ट विद मी यू कैन कनेक्ट ओवर इंस्टाग्राम. ऑलराइट देन गाइज, आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.